प्रेजेंटेशन चल रही है मेरी। ओ कोई आ गया, ये कुछ फ्राइड आइटम्स है और ये मैंने कहा था ना थी शौकीन हो डाल दो आप कहना था आप डाल दो यार इससे पहले कि इसकी शादी और ये बाहर चली जाए। आज मेरी फ्रेंड्स आ रही हैं घर पे इफ्तार के लिए और मुझे इतनी नींद आ रही है, मेरे से कोई काम नहीं हो रहा। हमारी किचन में ड्यूटीज पे अपनी इफ्तारें भी रेडी कर रही हैं। अभी मैं तो चाह रहा है कि मैं ना बस सो जाऊँ इफ्तारी तक के लिए, लेकिन अब मुझे जागना पड़ रहा है यार, बहुत जिम्मेदारी है किसी को घर बुलाने की। मैं नहीं बुलाती फ्रेंड्स को, लेकिन मुझे था कि शायद इफ्तारी करवानी पड़ेगी, शायद नहीं करवानी चाहिए, अच्छी बात है। तो बस अभी आधे एक घंटे में फ्रेंड्स आ जाएंगे मेरी, उसके बाद फिर हम इफ्तारी करेंगे, साथ साथ आपको दिखाऊंगा। गाइस अभी ना 5 बज के इफ्तारी में एक डेढ़ घंटा रहता है, अभी डेढ़ घंटा भी एक घंटा रहता है। और अभी मैं अपना टेबल प्रिपेयर कर रही हूँ, वैसे तो खाना शाना सब बना दिया, लेकिन अब मुझे कि कहीं ये ठंडा ना हो जाए। और ये मैंने सोने की चम्मच निकाली है अपने दोस्तों के लिए, जो मैं किसी को नहीं देती। और ये प्रेजेंटेशन चल रही है मेरी। ओ कोई आ गया, आ गया कहना, प्लीज़ याद रहा खोल के आना, प्लीज़ यार प्लीज़ ओ इसकी वो नहीं है, चलो कोई नहीं, इट्स ऑल ओके। ये स्टिकर मुझसे उतर रहे थे, मैंने बहुत कोशिश की है। गाइस अभी मेरा खाना हमारा ठंडा हो रहा है, मैं दोबारा गर्म नहीं कर रहा, सारा खाना मैं रैप कर रही हूँ दोबारा, इससे पहले खाना ठंडा हो गया दोबारा गर्म करना पड़ा। क्या कह रही हो? हमें वो कुछ बच्चों को कह रही चले गए, टेबल वगैरह मैंने प्रिपेयर कर दी है, सब खाने की चीज़ें भी कुछ भी रहती हैं, बाकी बर्तन वगैरह सब मैंने रख दिए। अभी बस वेट हो रहा है कि सब आती हैं तो आपको दिखाती हूँ। गाइस जी मेरी जो पहली फ्रेंड है महनूर आ गई, मेरी बचपन की दोस्त, कैसी हो? ठीक हूँ, आप कैसी हो? इतनी हसीन क्यों लग रही है? तुम्हें कोई हक नहीं था प्यारा लगने का। तो मेरे लिए वो भी कुछ खाने की चीज़ें लाई और फिर कह रही मैं तुम्हारी गिफ्ट भी लाई हूँ। मैं सोचा व्लॉग में ही खोलते हैं, ये भी पकड़ो एक हाथ बटरफ्लाई, बट ये भी लग रहा है बटरफ्लाई बनी हुई है वाली बैंगल बहनों लेके आई। हमने इतनी कोशिश की कि मुझे फिट आ जाए, मुझे हर चीज़ लूज आती है, कपड़े और जूते हर चीज़, और आज मुझे ये भी लूज है, लेकिन हमने बहुत कोशिश करके ना इसको पूरा कर लिया। इतना प्यारा कलर लग रहा है, मुझे कॉल करके कह रही है कि मैं ये पहन लूँ, मैंने कहा ना तो पहन ले, पिक्चर भेज रही है क्या? ठीक है, मैंने कहा ठीक है बहन, मेरे तो घर में बैठे रही चूड़ियाँ और झुमके पहने में। मेन्यू दिखा ले तो गाइस, दही भल्ले हैं, ये है खाने भी तुम लोगों ने खाने, ये फ्रूट सैलड है, वो सैंडविच है, मैक्रोनी बर्गर, वो बिरयानी है, और ये कुछ फ्राइड आइटम्स है, और ये शरबत वगैरह। गाइस इफ्तारी का टाइम होने वाला है, हम अपने टेबल पे आके बैठ गए। हाय अमन कैसी हो? पहले मैं बैठी थी, अब ठीक माशाल्लाह, इतनी नमाजी फ्रेश लंबी तो बस होगी हजार यार, ये मेरे ख्याल 10 मिनट बाद अब ठीक है, कोई नहीं कुछ नहीं, बड़ी बहनें भी करती हैं, छोटी भी करती हैं, बस छोटी से पूछती यार। मैं पता 10 मिनट पहले उठी, तुम लोग वैसे आ मिडिल चाइल्ड सुबह से उठी हुई, हाँ मिडिल चाइल्ड थी तो क्या इज्जत है ना, वो है मिडिल मैंने कहा था ना थी शौकीन हो उल्टा भी हो सकता है, कौन आपका हस्बैंड?
गाइस ये लड़कियां जो मेरे लिए ये चीजें लेके आई है ना, तो मैंने कहा इससे पहले वापसी पे कहें हमें साथ ही दे दो, मैं जरा किचन में ले लूं। नहीं गाइस हमने बोला कि हम ले जाएंगे। नहीं नहीं इतना तो कल्लू की जरूरत है, पहले तुम ऐसे उठा के लाई हो फिर उठा के लेके जाओगी, पहले ही बेहोश हो जाती होती है अमन। अभी अमन नमाज पढ़ी है, हट ना जरा जगह देना। चाय रख देने के ऊपर अगर शायद ही बिस्किट है क्रीम वाले, लेकिन इसको कुछ और कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रीम पफ, मुझे पेड़ों को नहीं पता। यार आज के बाद चाह रहा है रिजॉर्ट दोबारा जाने का। यार एक पता लड़की है वो पेज चलाती है, ट्रिप्स मैनेज करती है लड़कियों की, तो वो ट्रिप लेके जा रही है रिजॉर्ट से। लेकिन पता है यार साथ में क्लास में इसकी अम्मा से ज्यादा ले मेरी बात सुनो यार, लेकिन ना अभी मौसम गर्मी वाला है, रानर रिजॉर्ट में तो सर्दियों में जाए ना यार। रानर रिजॉर्ट वैसे हाँ धूप नहीं होगी ना तब, हाँ तब अच्छा लगेगा। जैसे स्प्रिंग है ऑटम है विंटर्स में, गर्मियों में तो बहुत गर्मी लगेगी। पिकनिक पे जाएंगे, एक दिन तो चलना पड़ता है वहाँ पे। तुमने साथ गई, उन्होंने बताया था देखे हम लोग आठवीं क्लास में जो गए हैं बस वही गए हैं। नहीं नहीं इसको दे आमना को, कहना चाय बना के, इसकी स्पेशल चाय है सिग्नेचर चाय। कितना डर है उसको, मैंने चीनी नॉर्मल डाली है, किसने और डाली है, मेरा दिल कर ऐसे पैक करके ले जाऊंगा। तो हाँ और बना दे, पहले आप मुझे भी दो यार चाय। चीनी है इसमें नहीं है, चम्मच से ला दो फिर। तू नहीं पीती? पीती मैं, मेरा चाय की यूज़ नहीं करती। है यूज़ नहीं करती, चलो मुझे दे दो, अल्लाह के नाम पे दुआएं दो। वो नीचे गिर गई तो फिर हम यूज़ करते हैं। क्या मैं क्या करूँ? आप डाल के दो। ये पकड़ो। मैंने कहा था ये नीचे वाला भी नीचे ऊपर वाला मिला। डाल दो आप। कहना था आप डाल दो यार। जिसको मिल जाता है उसके नखरे। वो भी एक पीस। केचप ले आना। मजे की चाय। एक दो है। चलो कोई नहीं। अच्छा मिल गया। केचप ले आया रूच बाय पड़ी वो खत्म हो गई। पैसे डाल रही हूं मुझे। बुला लेती हूं मैं लोगों। नहीं मुझे क्या है? इन दोनों को बड़ी प्लेट में नाइफ इस कैबिनेट में बड़ी टीवी के नीचे वो निकाल के लिया। ये इतना अच्छा कुर्बानी वाला चूल्हा है, वो पाक पतन वाली वीडियो देखी मैंने भी। वो कह रही है कि दोस्त है ना, दोस्त को मिला के बुलाया अपने घर और बुला के उसको जिबा कर दिया, सारे जिबा कर दिया। वो कोई पाक पतन में अभी मैंने न्यूज देखी है। ऐसा क्यों? देखिए सुनिए टिकटॉक पे आ रही थी और ऊपर से स्पेशली वो काइट वाला जो लड़की की डेथ हुई है तो वहाँ मस्जिद करीब है, मैंने स्पेशल एसी चलाया, इनको मेरी कदर ही नहीं। मुझे मेरा पंखा खराब हो गया था, क्या बदतमीजी है, तुम लोगों को शर्म नहीं आती मेरे बारे में ऐसी बातें करने की? बॉम्बे टच क्यों नहीं भैया? दिया था यार तुमने, पैसे वापस ले ले कैसे आएगा ट्रिप जी। अरे सर की पिक्चर सर ने उसको ये भेज दे। क्या मतलब? ये व्लॉग में डाल दे, साथ मेंशन कर दे हैवी। चलो ओके बाय, फिर मिलेंगे, अल्लाह तुम्हें भी तो फीक दे इफ्तारी की। हाँ ये तुम्हारी दुआ को बोलना है, तारीख कराता है ना वो शादी इसकी जल्दी हो जाती है। हाँ हाँ सच्ची हो जाती है, कोशिश करके देख। आपकी चाय बहुत मजे की थी और दुआ से साल हो जाएगी शादी। शादी में साल हो गई। चल हम ना तुझे रुखसत करके आए, चला आगे आगे बिस्मिल्लाह। बाबू की दुआएं लेती जा, तरस गई ऐसी। गाने आते थे वो जो कहता है जूता भी उठा लो पासपोर्ट भी उठा लो माँ बाप के कमरे। यो हनी सिंह के सारे गाने आते जो हम स्कूल में पढ़ते थे। नहीं कहता कुत्ते के बिस्किट डाल दो माँ बाप के कमरे को भी कुंडी लगा दो। वही बला कुंडी नहीं खड़काओ कैसी इसको गाने यार। वो जो केक मूवी का था डेवल मेरा यार, मेरे जैसा दुनिया में कोई नहीं, रेड नाइट वाला।
ट्रिप में जाते थे सर आगे बैठे थे, हम जब मोटर पे चढ़ते थे डांस नहीं करने देते थे, वो सर इरफान थे ना, क्लास में सुनूंगा खुला से, सर इरफान ने उसको खड़ा करते थे व्हील को के चलते थे डांस करते, उनको हिचकी आ रही होगी कि हमारे बारे में बातें हो रही, हमारी ना गया बेचारे के, लेकिन मजे का दोस्त था यार कि मेरी खैर शादी होगी सर इरफान की है ना, मिस करती हूं सर इरफान यार, नहीं उनके साथ मेरी कोई अच्छी मेमोरी, मेरी भी कसम से मेरी भी कोई अच्छी मेमोरी, अभी ये सीन है कि एमन भी चली गई, आमना भी चली गई, हम दोनों बैठी हुई है, उसको जरा लेने आ रहे हैं, तो अभी मैं आई थी उनके लिए कुछ खाना छाना पैक करने, खाया उन्होंने कुछ है नहीं, लेकिन मैंने कहा चलो साथ ले जाएगी, और अभी मैं दोबारा हो गया उसका खाना पैक, अभी हम चलते हैं अंदर वापस, महमूद भी जा रही हूँ कि यार मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी, बाय बाय, अपना ईद के बाद ना फिर करेंगे, अभी हम ट्रिप भी प्लान कर लेंगे, मुझे पता है कि प्लान ही हो गए, हां ओके ट्रिप हम प्लान करेंगे, हां इंशाल्लाह हम जाएंगे इंशाल्लाह, इससे पहले कि इसकी शादी और ये बाहर चली जाए प्लान्स करने पड़ेंगे कुछ दो चार, है ना, हां बिल्कुल, इसको भी सबको मैं ना छोड़ के आई हूं उसकी बारी, ओके गाइस ये था मेरा आज का व्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड कर रही हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ क्योंकि आज मैं जल्दी उठ गई थी सारी की तैयारी के लिए, आई होप आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें, अल्लाह हाफिज़।